दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एक बोटल पेंडुलम बना के बताऊंगा और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बोटल पेंडुलम किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक पेंडुलम मॉडल बनाकर बताऊंगा, तो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बोतल का पेंडुलम बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक बोतल का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने दो पीस कार्डबोर्ड के ले लिए हैं और अब मैं इन दोनों पीसों को फेमिकोल की मदद से अच्छे से चिपका दे रहा हूँ, जिससे ये हमारी बोतल इसके ऊपर अच्छे से मेंटेन हो पाएगी और मैं यहाँ पर इसे की दो लाइन सीधी तरीके से कट कर दे रहा हूँ और हमको यहाँ पर बीच वाला पॉइंट निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्रकार को 2.5 सेमी खोल लिया है और अब मैं इस पर गोल सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और ये हमें सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इस सर्कल को इस कटर की मदद से अच्छे से कट कर दे रहा हूँ। आप चाहिए तो इसमें कैंची का भी यूज कर सकते हैं कि इसे काटने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद धागा ले लिया है मोटे वाला और यहाँ पर मैं इसके एक गांठ बांध देनी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा धागा थोड़ा मोटा होना चाहिए और हमको इस प्रकार के कार्डबोर्ड के इस वाले सिरे पर को ऐसे स्टेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर स्टेबलर की मदद से इसको लगा दे रहा हूँ और हमको इसके कार्डबोर्ड के चारों सिरों पर ऐसे धागे को थ्रेड से बांध लेना है, जिससे कि हमारा अच्छे से थ्रेड हो सके। और मैं यहाँ पर प्लास्टिक बोतल के ढक्कन पर छेद कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैंची की मदद से छेद कर लिया है और ये है हमारा कार्डबोर्ड वाला पीस। तो अब मैं इस पर उल्टी बोतल रख दे रहा हूँ और मैंने इस बोतल को अच्छे से चिपका दे रहा हूँ। दोस्तों अब हमारा बोतल पेंडुलम मॉडल बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसे 4 धागों से बांध दिया है और ऊपर भी एक लंबा धागा बांध दिया है। तो हमारा ये इस प्रकार से घूमेगा और हमारी आर्ट बनकर आएगी। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बारीक रेत ले लिए हैं और अब हम इस पेंडुलम में रेत भर कर देखते हैं कि हमारा ये कैसे से वर्क कर रहा है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।